हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नौबत खाने में इबादत का 90% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शहनाई की दुनिया में डोंगराओं को क्यों याद किया जाता है? उत्तर, मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डोंगराओं गांव में ही हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूका जाता है। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराओं में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराओं का महत्व है। दूसरा प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? उत्तर, शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? सुशीर वाद्यों से अभिप्राय है फूक कर बजाए जाने वाले वाद्य। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है। फूक कर बजाए जाने वाले व्राद्यों में कोई भी व्राद ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। शहनाई में समस्त राग रागनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है, इसलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई सुशीर वाद्य नहीं टिकता और शहनाई को सुशीर वाद्यों के शाह की उपाधि दी गई होगी। पांचवा प्रश्न, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? काशी से बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई है। संगीत साहित्य और अदब की परंपरा में धीरे धीरे कमी आ गई है। अब काशी से धर्म की प्रतिष्ठा भी लुप्त होती जा रही है। वहाँ हिंदू और मुसलमानों में पहले जैसा भाईचारा नहीं है। पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था, परंतु अब उनमें परिवर्तन हुए हैं। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां दुखी थे। तो यह था दोस्तों आज का क्वेश्चन आंसर वीडियो। मैं इसी तरह के आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो लाते रहूँगा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को नेक्स्ट किस टॉपिक पर समरी वीडियो या क्वेश्चन आंसर वीडियो चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।